तो अभी हमारी चल रही है भुट्टा सीरीज। तो भुट्टा स्पेशल में हम आज बनाने वाले हैं ढोकला, और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 कप भुट्टा, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट बन गया है, अब इसे बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये जो पेस्ट है ना, इसे हमें थोड़ा दरदरा ही रखना है। अब इसमें जाएगा एक छोटी कटोरी सूजी और एक छोटी कटोरी बेसन, इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें जाएगा एक छोटी कटोरी दही, इसे भी मिला लेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। यहाँ पे बैटर मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और मिला लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये मिलाकर हो गया है, अब इसे कवर कर देते हैं 15 मिनट के लिए और बनाते हैं ढोकला के लिए चटनी। तो इसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं हल्दीराम का आलू भुजिया, अगर आपके पास कोई और सेव है तो वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा 2 हरी मिर्ची, फ्रेश हरा धनिया, साथ ही इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। और 2 आइस क्यूब डाल देते हैं ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए, और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये चटनी जो है बनकर तैयार है, अब इसे निकाल लेते हैं कटोरी में। अब इसमें ऐड कर रहे हैं नमक स्वाद के अनुसार और मिला लेते हैं। उसके बाद गैस पे चढ़ाते हैं कढ़ाई और उसमें डालते हैं पानी। इसमें रख देते हैं रिंग और इसे स्टीम होने देते हैं। उसके बाद लेते हैं एक थाली और इसमें लगाते हैं तेल। तो 15 मिनट हो चुके हैं, अब इस बैटर को देखते हैं। अब इसमें डालते हैं नमक स्वाद के अनुसार अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा हल्दी, मिला लेते हैं अच्छी तरह से। अब जाएगा इसमें इनो, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक्टिवेट कर लेते हैं और मिला लेते हैं। अब ये जो बैटर ये पूरी तरह से बनकर तैयार है, अब इसे डालते हैं थाली में। तो ये पूरा सेट हो गया अच्छे से। इसके ऊपर डालते हैं लाल मिर्च पाउडर और इसे रख देते हैं कढ़ाई में। 15 मिनट में ये आराम से पककर तैयार हो जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाकर देखते हैं, उसे चेक करते हैं पका है या नहीं। ये देखिए पूरी तरह से ये पक चुका है। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ये अच्छे से सेट हो गया है, अब इसे कट कर लेते हैं। इसके बाद इसमें लगाएंगे तड़का। यहाँ तेल में डाल रहे हैं राई, हरी मिर्ची के स्लाइसेस,
हींग डाल देते हैं और फ्रेश कड़ी पत्ता और 2 चम्मच तिल डाल देते हैं, सफेद तिल। गैस को बंद कर देते हैं और लगा देते हैं तड़का ढोकला के ऊपर। तो ये हमारा गर्मा गर्म ढोकला बनकर तैयार है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। चलिए, आपको ये रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।